पूर्वी चंपारण के सुगौली में बूढ़ी गंडक नदी से कटाव शुरू हो गया है। यहाँ पर दर्जनों घर बर्बाद हो गए। बाढ़ का पानी बढ़ने से सभी लोग बेचैन हैं। थाना परिसर में बाढ़ के पानी प्रवेश करने पर पुलिस भी अपना क्वार्टर खाली करने और अपने सामान को ऊंचे स्थान पर रखने में जुटी हुई है। लोगों के घर में पानी समा गया है। जहां नदी किनारे बसे कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी सुरक्षित इलाकों में शरण ले रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा से संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, आपने सुबह जो तस्वीरें दिखाई थीं वो वाकई में डरावनी थी। अब की क्या तस्वीर है आपके पास? विकास, देखिए सुबह जब मैं 6 बजे अब होटल से निकला था तो उस वक्त तेज धूप थी। उसके बाद 9 बजे के आसपास जब तस्वीरें हमने दिखाई थी तब बादल छाया था और इस वक्त जोर की बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त ये बगहा इलाका है और आप देखिए कि मेरी छतरी किस तरीके से उड़ रही है। यहाँ पे जोर की हवा भी चल रही है और यहाँ बारिश भी है। ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है सामने, ये सड़क बगहा को कुशीनगर से यानी बिहार को यूपी से जोड़ने वाली सड़क है और इस सड़क से ही लोग आते जाते हैं। एक तरह से ये बांध है और इस बांध के हाल आप देखने के लिए समझिए इस तस्वीर को कि यह जो सड़क का हिस्सा है ये यहाँ पर कटा हुआ है। पुल बनाया था छोटा सा और पुल के पास जो मिट्टी थी ये पूरी मिट्टी यहाँ पे धस गई है और सड़क का एक हिस्सा टूटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं वो घर भी देखिए डूबे हुए हैं और लोग वहाँ बीच में थोड़े बहुत रह रहे हैं। कुछ लोग बांध पर या आसपास के स्कूलों वगैरह में शिफ्ट हुए हैं। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में भी बारिश हुई है और नेपाल ने सुबह से 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी अभी तक छोड़ा है। तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि ये बरसात जो है ये बरसात रुक रुक कर बार बार हो रही है और ये इस बरसात की और नेपाल के पानी की वजह से जो लगातार हालात हैं वो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पूरे जब से मैं सुबह घूम रहा हूँ कई ऐसे गांव हैं जो गांव या तो कटे हुए हैं, रोड वहाँ पर टूट गई है या तो फिर उन गांवों में पानी भरा है, खेतों में पानी है। तो लोगों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। तो स्थिति लगातार बिगड़ती हुई क्योंकि नेपाल का पानी और उसके ऊपर से बारिश का पानी लगातार यहाँ इस इलाके में आ रहा है। अगर बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में चूंकि जो गंडक बराज है, गंडक बराज में जो नेपाल की नारायणी नदी है वो आती है और वहाँ से वो गंडक बन के आगे कुशीनगर, बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में भी जाती है। तो कुशीनगर में, महाराजगंज में जो तराई बेल्ट है उन तराई इलाकों में भी इसी तरीके से कई गांवों में पानी है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं क्योंकि बारिश रुक रुक कर दिन में 2 से 3 बार होती है और जब होती है तो बहुत जोर की होती है। और नेपाल लगातार पानी छोड़ रहा है क्योंकि उसके पहाड़ों पर पानी बरस रहा है और पहाड़ों से पानी जो आ रहा है उसको रोकने का फिलहाल कोई प्रबंध नहीं है। जी रणवीर, हमने देखा तस्वीरों में, आपने सड़क के पार एक मकान दिखाया, शायद वो चाय की दुकान थी। आप चाय ज़रूर पीजिएगा जब लाइव ख़त्म कर लीजिएगा। इस मौसम में चाय का मज़ा पकौड़ों के साथ और ज़्यादा आएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो वाकई डरावनी है। आपने कहा 4 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा जा चुका है। ये पानी इस इलाके में कब तक पहुँचेगा? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं इस पानी से बचाव के? देखिए, यहाँ पे जो सिस्टम है नेपाल के नारायणी नदी से जो पानी आता है वो पानी पहुँचता है बिहार के कुछ हिस्सों में और बिहार के अलावा यूपी के कुशीनगर और महाराजगंज और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। प्रशासन ने एक 32 गेट का बराज बनाया है जिसको गंडक बराज कहते हैं, वाल्मीकि नगर इलाके में है और वो नेपाल और बिहार का बिल्कुल कोना है। थोड़े आगे उत्तर प्रदेश का हिस्सा शुरू हो जाता है, कुशीनगर का बॉर्डर। तो उसी बराज में 3 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता जो है वो आमतौर पर वहाँ पर रहता है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो उसको डिस्चार्ज करके अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। कुछ पानी बिहार, कुछ पानी यूपी, कुछ यूपी के दूसरे जिलों में। तो एक चैनल ऐसा प्रक्रिया बनाई गई है ताकि पानी को जो है इकट्ठा एक जगह ना जाए, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। तो ये डाइवर्जन की प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश है और पहाड़ों की बारिश की वजह से जो हालात हैं वो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि जब तक नेपाल में पानी बरसना बंद नहीं होगा और जब तक वहाँ से पानी छूटता रहेगा तब तक इन इलाकों में इसी तरह के हालात होंगे। आमतौर पर बताऊँ कि बारिश के पानी से इन इलाकों में बाढ़ नहीं आती है, जो बाढ़ की बड़ी वजह है वो नेपाल है और नेपाल बॉर्डर यहाँ से चूंकि नज़दीक है, यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ इस जगह पर से आगे जब हम जाएंगे तो वाल्मीकि नगर आएगा, वहीं से जो बाढ़ की शुरुआत है वो होती है। तो फिलहाल प्रशासन दावे कर रहा है कि कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सड़कें देखिए, इन सड़कों का हाल कि जगह जगह ये सड़कें कटी हुई हैं और जगह जगह पानी लगा हुआ है। बारिश की वजह से रणवीर सड़कें भी कट गई हैं, मुश्किल हो गया है जीवन। बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है, नदी उफान पर है, कटाव तेजी से हो रहा है, लोगों के घर, मकान, दुकान भी संकट में आ गए हैं। आप इस खबर पर बने रहिए, जो भी अपडेट होगा उसके लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।